हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग करने वाले हैं कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न उत्तर एमसीक्यू में। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, फिल्म लगान के गीतकार कौन है? आनंद बख्शी, मजरूह सुल्तानपुरी, जावेद अख्तर, समीर। आंसर 3, जावेद अख्तर। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन 2, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन 3, तमसो माँ ज्योतिर्गम में यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन रामायण, ऋग्वेद, सामवेद, लघु सिद्धांत कौमुदी। रामायण है, ऋग्वेद है, सामवेद है, लघु सिद्धांत कौमुदी। आंसर 2, ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, रथ यात्रा। आंसर 1, सूर्य मंदिर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बालू की भय आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन सुदर्शन पटनायक, कैलाश, मनमोहन, हरजीत। क्वेश्चन आंसर 1, सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कथक कली मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? गुलाब, गेंदा, कमल, सूरजमुखी, कमल। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद दूसरा सबसे अधिक है? ऑप्शन बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। बांग्ला हिंदी के बाद सर्वाधिक ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द इड संबंधित है आत्ममोह से, प्राकृतिकवाद से, सुखवाद से, परोपकारिता से? ऑप्शन ए, आत्ममोह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नई दिल्ली, पटना, कोलकाता, चेन्नई। आंसर ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन मदुरई में, पानीपत, भोपाल, तिरुवनंतपुरम। आंसर ए, मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु के मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? ऑप्शन 20, 21, 52, 24। तो इसमें 24 तिल्लियाँ होती है, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है? ऑप्शन बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आंसर ए, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश में कौन सा रासलीला नौटंकी है? राजस्थान का शहरी है, घुमर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब, गन्ना, संतरा, आम। आम है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? ऑप्शन गीता चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल, स्वपन सुंदरी। ऑप्शन 3, गंगूबाई हंगल। क्वेश्चन नंबर 17, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है? मतलब कौन सा भाषा में लिखा गया? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु या तमिल में गाया गया और 2012 में लाया गया था, 2012 में आया था ये गाना। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन नीम, बरगद, आम, ताड़, बरगद। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन 3 शेर, 4 शेर,
एक मोर दो हाथी, ऑप्शन दो चार शेर सही है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तबला, सरोद, बांसुरी, शहनाई या बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ में पन्नालाल घोष भी है, पन्नालाल घोष है। तबला के लिए जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, रामप्रसाद बिस्मिल्ला शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, आर के लक्ष्मण यह एक प्रसिद्ध है, किसके लिए है, ऑप्शन पत्रकार, लेखक, कार्टूनिस्ट, इनमें से कोई नहीं, यह कार्टूनिस्ट के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन तीन सही है।